हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक की खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में गूगल ड्राइव्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक बेसिक वीडियो बना के रखा है। उसमें मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ द गूगल ड्राइव, हाउ टू यूज़ इट। तो फ्रेंड, बेसिकली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों ने मेरा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है गूगल ड्राइव के ऊपर, तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे उस वीडियो को देखिए और जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर करिए, सो दैट उनको बेसिक समझ में आए कि गूगल ड्राइव है क्या और उसको यूज़ कैसे करें। एंड फ्रेंड, वन मोर थिंग, अगर आपको देखने के बाद मेरा वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे उस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड, हम लोग अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे टॉपिक क्या है, गूगल ड्राइव टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड फ्रेंड, उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, हाउ यू कैन क्लीन योर ड्राइव स्पेस। तो फ्रेंड, डेफिनेटली आई होप यू नो कि ड्राइव स्पेस में हमको कितना मिलता है, 15 GB का लिमिट मिलता है। एंड फ्रेंड, उस 15 GB में हमारे इट नॉट ऐसा नहीं है कि ओनली आपके फाइल एंड फोटोज़ के ही स्टोरेज कैलकुलेशन होते हैं फ्रेंड, इवन आपके जो भी ईमेल हैं अभी तक आपके, आपको जितने भी मेल आए हैं वो भी तो अल्टीमेटली आपका एक स्पेस ले रहा है। तो फ्रेंड, वो सारी चीज़ें भी क्या होती है, हमारे ड्राइव स्पेस में आ जाती है। तो फ्रेंड, वही सब हम देखने वाले हैं कि सपोज अगर हमारा क्या हो जाएगा, 15 GB लिमिट क्रॉस हो जाए या फिर 15 GB तक अगर आप पहुंच गए, तो फ्रेंड अल्टीमेटली क्या होगा, आपको आपके मेल पे मेल नहीं आएंगे, आपको और भी कोई एक्टिविटीज करनी है मेल के ऊपर, तो फ्रेंड वो सारी चीजें आप वहां पे नहीं कर पाओगे, बिकॉज डेफिनेटली आपके ड्राइव के जो 15 GB थे वो लिमिट क्या होगी, क्रॉस होगी। तो फ्रेंड, ऐसे सिचुएशन में वी हैव ओनली टू ऑप्शन, इधर बाय गूगल प्रीमियम प्लान और क्लीन योर स्टोरेज। तो फ्रेंड, डेफिनेटली वाइल द फर्स्ट ऑप्शन विल कॉस्ट यू मनी एंड द सेकेंड वन इज द फ्री एंड नीड ओनली अ फ्यू मिनट्स। तो फ्रेंड, वहाँ पे क्या होगा, वी हैव ओनली टू ऑप्शन। अगर आपका 15 GB लिमिट क्रॉस हो गया, फिर 15 GB तक आप पहुँच गए, तो फ्रेंड पहला क्या होगा, हमको गूगल्स के कुछ प्रीमियम प्लान है वो बाय करने होंगे। और फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, हम अपने स्टोर जो इसके लिए हमको फ्यू मिनट्स लगते हैं, जो भी अननेसेसरी फाइल, जो भी अननेसेसरी फोटोज़ हैं, उसको फ्रेंड हम क्या करते हैं, डिलीट करके अपने स्टोरेज को मेंटेन रखते हैं। तो फ्रेंड, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में थोड़ा सा देखने वाले हैं, अपने ड्राइव से आप फाइल फोटोज़ और ईमेल्स को कैसे उनको क्लियर करके, उनको डिलीट करके आप अपने ड्राइव स्पेस को कैसे मेंटेन करने वाले हो। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये फर्स्ट टॉपिक इट मीन्स आपको जो समझ में आएगा कि हम लोग किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, हम कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो है हमारा है वो क्या है, हाउ टू फ्री अप गूगल ड्राइव स्पेस। तो डेफिनेटली फ्रेंड, हमको देखना है कि हम अपने गूगल ड्राइव फ्री, आप गूगल ड्राइव के स्पेस को कैसे फ्री करोगे। तो उसके पहले फ्रेंड हमको ये भी तो देखना होगा कि ड्राइव में जो भी स्पेस है, कितने फोटोज पे कितने आपने फोटो, आपका जो गूगल फोटो है वो कितना स्पेस लेके रखा है, आपका जीमेल कितना स्पेस करके रखा है, आपके कितने फाइल्स ने स्पेस करके रखे हैं, उसमें से कौन से अननेसेसरी है। तो फ्रेंड, वो सारी चीज़ें हमको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड, हम देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक लिंक दे के रखा है। तो जैसे फ्रेंड क्या होगा, यहाँ पे इस लिंक पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी, यू विल सी, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यू हैव गॉट अ 15 GB फ्री स्टोरेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्राइव में आपको क्या मिल रहा है, डेफिनेटली 15 GB का फ्री स्टोरेज मिल रहा है। एंड फ्रेंड देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, मैंने इसमें से क्या किया है, अभी तक 5.53 GB को यूज़ करके रखा है 15 GB में से। एंड देन फ्रेंड यहाँ पे देखिए नीचे दिखा रहा है स्टोरेज डिटेल। तो यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव में मैंने कितने स्टोरेज अभी तक यूज़ करके रखे, 5.53 GB। देन जीमेल में 0 है, देन गूगल फोटोज़ में भी क्या है, 0 है। देन फ्रेंड नीचे साइड आप आओगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, चूज़ द गूगल वन प्लान दैट द राइट फॉर यू मेम्बरशिप प्लान स्टार्ट एट ₹130 पर मंथ। सपोज आपका फर्स्ट प्लान क्या था, 15 GB आपको फ्री मिल रहा है, दैट इज़ माई करंट प्लान, बिकॉज मैंने अभी तक कोई भी न्यू प्लान बाय नहीं किया, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास अभी तक स्पेसेस हैं, बहुत सारे स्टोरेज हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा है, सेकंड क्या दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको 100 GB और बाय करना है, तो आपको ₹130 पर मंथ देना है। यहाँ पे देखिए उसकी डिटेल देके रखें क्या क्या है। एंड फ्रेंड सेकेंड थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या है, 200 GB के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, ₹210, उसके भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिए हैं। तो फ्रेंड और आप देखोगे और भी हैं, 2 TB के लिए अगर आपको देखना है तो उसके लिए क्या है, ₹650 पर मंथ है, एंड उसके भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं, मोर ऑप्शंस के भी यहाँ पे हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट लिंक पे आपने जैसे ही क्लिक किया, यू विल सी यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आ गए कि आप अभी तक आपने ड्राइव में कितने स्टोरेज को यूज़ किया है या फिर यूटिलाइज किया है, कितना स्पेस पेंडिंग है, क्या प्रीमियम प्लान है। तो फ्रेंड वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर है।
तो डेफिनेटली फ्रेंड, अगर आपको भी आपका स्टोरेज लाइक आपको दिखा तो देगा वहाँ पे कि लाइक कौन कौन से स्टोरेज हैं, बट फ्रेंड सिंपल से अगर आपको फाइंड आउट करना है कि आपका कौन सा लाइक कौन सी फाइल या फिर आपका जीमेल कितना स्टोरेज ले रहा है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे अल्टीमेटली यू विल गेट सम काइंड ऑफ अ इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्या है, ये जो फर्स्ट लिंक मैंने आपको बताया फ्रेंड वो डेस्कटॉप पे बताया, आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो। एंड सेकंड फ्रेंड, अगर आपको अपने मोबाइल पे देखना है तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन टाइप ऑन द हैमबर्गर मेन्यू आइकन ऑन द ड्राइव देन ऐप स्टोरेज एंड व्यू। व्यू में आप जाओगे तो डेफिनेटली फ्रेंड क्या होगा, आपको वहाँ पे डिटेल दिखाई देगा। एंड फ्रेंड अगर आपको अभी तक पता नहीं है हैमबर्गर दिखता कैसा है, तो फ्रेंड बेसिकली अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर लेते हो कैसा दिखाई देगा मेन्यू आइकन उसका। तो फ्रेंड आप मोबाइल पे जैसे ड्राइव सर्च करोगे यू विल सी ऐसे थ्री लाइंस वहाँ पे दिखाई देते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हैमबर्गर बटन या फिर आइकॉन बोल सकते हो। तो फ्रेंड वहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइए। तो डेफिनेटली फ्रेंड आप ये स्टोरेज जो भी है आप आपके मोबाइल से भी कर सकते हो एज वेल एज आपके डेस्कटॉप से भी करके आप अपने स्पेस की डिटेल देख सकते हो। देखिए यहाँ पे दिया है हैमबर्गर मेन्यू आइकॉन इन द ड्राइव ऐप स्टोरेज एंड व्यू में जाओगे तो डिटेल टू सी डिटेल आपको वहाँ पे डिटेल दिखाई देगा क्या है वो चीज़ें। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, क्लियर द ड्राइव स्टोरेज। तो फ्रेंड अभी हमको क्या करना है, लाइक हमको हमारे ड्राइव का स्टोरेज क्या करना है, क्लियर करना है, तो उसके लिए अगेन एक लिंक है। तो फ्रेंड सबसे पहले बता दूं कि हमने अभी तक क्या देखा कि लाइक बेसिकली मैंने एक लिंक दिया था, वो लिंक को आप जैसे ही क्लिक करोगे या फिर सर्च करोगे तो अल्टीमेटली यू विल सी कि लाइक आपका जो भी ड्राइव का जो भी स्टोरेज है आपने कहाँ कहाँ पे कितना अभी तक आपका स्टोरेज ऑक्यूपाई है या फिर कितना यूज़ किया है और कितना अभी तक बैलेंस है, देन वहाँ पे आपको प्लान के प्रोसेस दिखाई देंगे। देन फ्रेंड उसके बाद क्या होता है कि वो सारी चीज़ें तो हमने देख ली, अब हमको क्या करना है अपने ड्राइव के स्टोरेज को थोड़ा सा क्लियर करना है सो दैट स्पेस और भी आए, या फिर इसी बहाने आप ऐसा देख सकते हो कि कौन से अननेसेसरी फाइल है, अननेसेसरी मेल है जो अभी भी आपके आपके इनबॉक्स में पड़े हैं, तो अल्टीमेटली आप उसको क्या कर दोगे, वहाँ से डिलीट कर दोगे। तो फ्रेंड उसके लिए क्या होगा, लाइक आपको यहाँ पे जाके क्लिक करोगे देन विच लिस्ट ऑल द फाइल सेव ऑन द ड्राइव इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो डेफिनेटली फ्रेंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, लाइक कौन कौन सी फाइल आपके ड्राइव में सेव है। तो फ्रेंड हम स्टार्ट देखते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या किया मैंने, जैसे ही क्लिक किया ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टोरेज 15 GB मिला, तो उसमें से मैंने इतना यूज़ किया है। देन बाय स्टोरेज पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो। तो फिर यहाँ पे क्या इतने सारे अभी तक दिखाई दे रहे हैं, इसमें से लाइक मुझे कोई भी एक डिलीट करना है या फिर जो भी करना है, लाइक डेफिनेटली उसके आप उसको क्या करोगे, डिलीट करके आप अपने स्टोरेज को मेंटेन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सपोज मैं क्या करती हूँ, इसको किसी भी लाइक जो भी है आप उस फाइल या फिर फोल्डर पे आप क्या करोगे, क्लिक करके राइट क्लिक करोगे देन यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, रिमूव। फ्रेंड जैसे आप रिमूव करोगे अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी एक फाइल वहाँ पे क्या होगी, रिमूव होगी। तो फ्रेंड इस तरह से क्या कर सकते हो, वहाँ पे क्लिक करके आप अपने रिमूव कर सकते हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट ऑल द फाइल दैट्स यू वांट टू रिमूव। जैसा कि मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है जो आपको क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वहाँ पे डेफिनेटली आपको रिमूव हो जाएगा। देन फ्रेंड रिमूव होने के बाद भी आपका जो भी आप डिलीट करते हो पहले वो कहाँ जाता है, आपके ट्रैश में जाता है। ट्रैश में जाने के बाद ही फ्रेंड आफ्टर दैट क्या होता है, ट्रैश में जाने के बाद ही वो क्या हो जाएगा, आपका परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली फ्रेंड ट्रैश में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको जाके ट्रैश फाइल को भी डिलीट करना होगा, सो दैट वो क्या होगा, आपका परमानेंट डिलीट होगा। एंड सपोज अगर आपका परमानेंट डिलीट नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 24 आवर्स में क्या हो जाएगा, आपका वो अल्टीमेटली वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप जो फाइल को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप ट्रैश में भी जाके उस फाइल को क्या करोगे, डिलीट करोगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड नेक्स्ट क्या है, क्लियर जीमेल एंड गूगल फोटो स्पेस। लाइक आपका जीमेल भी है एंड फोटो स्पेस भी है, तो उसको कैसे क्लियर करना है, तो वो चीज़ें हम अभी यहाँ पे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे पहला क्या है, चेंज योर फोटोज एंड वीडियो फ्रॉम ओरिजिनल क्वालिटी टू हाई क्वालिटी। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है, लाइक हमारे पास जो भी फोटोज हैं उस फोटो लाइक उसकी ओरिजिनल क्वालिटी टू लाइक चेंज योर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम ओरिजिनल क्वालिटी टू हाई क्वालिटी। लाइक जो भी ओरिजिनल क्वालिटी है उसको हमको क्या करना है, हाई क्वालिटी में चेंजेस करना है। या फिर यू विल सी लाइक अगर वो आपको अननेसेसरी है, यूज़ नहीं है, कभी कभी क्या होता है अगर आपका ड्राइव का लॉगिन है तो अल्टीमेटली आपने जो भी इमेजेस कैप्चर किए हैं अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, वहाँ पे भी सेव हो जाते हैं। तो वो चीज़ें देख के हमको क्या करना है, उसको डिलीट करना है या फिर आप उसको क्वालिटी वाइज चेंज कर सकते हो। देन फ्रेंड नेक्स्ट क्या है, टू सेव स्पेस ऑन जीमेल टाइप्स
यहाँ पे आपको स्पेस चेंजेस करना, स्पेस देखना है, तो आपका अननेसेसरी जो जीमेल है जो आप यहाँ पे देखेंगे हैज़ अटैचमेंट लार्जर 10 MB का जो भी है, लाइक मेगा जो भी है, अगर आपको वो डिलीट करना है तो उसके लिए फ्रेंड क्या करना है, सिंपल सा आपके जीमेल के सर्च बॉक्स में यहाँ पे फ्रेंड क्या करना है, आपको ये हैश अटैचमेंट लार्ज आपको क्या करना है वहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सपोज फ्रेंड मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, उसको सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक और ओपन करके रखा है सो दैट मुझे कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा ईजी होगा। कंट्रोल एंड न्यू करके आप फिर से उसको कर सकते हो, उसका सेम कॉपी कर सकते हो या फिर डुप्लीकेट भी कर सकते हो आप। तो मैंने ये क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। अभी कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे देखिए इसको सॉरी सर्च बॉक्स में करना है जीमेल के, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जैसे मैंने किया तो अभी तक मैंने यहाँ पे देखे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हैज नो अटैचमेंट, लाइक अभी मुझे लाइक इतना 10 MB का अभी तक कोई भी क्या है, इतना बड़ा अटैचमेंट 10 MB का कोई भी अटैचमेंट अभी तक यहाँ पे नहीं है, बट डेफिनेटली फ्रेंड अगर 10 MB का कुछ होता तो वो दिखाई देता, तो फिर मैं उसको चेक करती कि लाइक वो प्रॉपर है या फिर नहीं है, तो अल्टीमेटली मैं उसको यहाँ से क्या कर सकती थी फ्रेंड, उसको डिलीट कर सकती थी। तो फ्रेंड यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपल सा जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आप अपने फोटोज़ की क्वालिटी को चेंज करोगे ओरिजिनल टू हाई क्वालिटी में करोगे, और एल्स आपका जो जीमेल का जो सर्च बॉक्स है फ्रेंड वहाँ पे आप क्या करोगे, क्या टाइप करना है आपको, यहाँ पे हैश अटैचमेंट लार्ज 10 MB करोगे तो अल्टीमेटली फ्रेंड इस साइज़ के जो भी आपका अटैचमेंट या फिर जो भी है जीमेल में तो वो आपको शो करेगा। देन फ्रेंड आपको आफ्टर दैट यू हैव टू चेक कि वो नेसेसरी है या फिर नहीं है, वो दिखाई देगा कितना ऐसे आपके मेल हैं जो इस साइजेस के हैं, तो फ्रेंड आप उसको क्या करोगे वहाँ से डेफिनेटली आप उसको डिलीट करके आप अपने स्पेस को भी क्या कर सकते हो फ्रेंड वहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। तो फ्रेंड आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया है, एंड फ्रेंड प्लीज़ अगर आपको अगेन कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है या फिर अच्छा लगा है तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड।